नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फैमिली सोलेनेसी के इस हर्बेसियस प्लांट से, जिसमें फ्लावरिंग अगस्त सितंबर के महीने में होती है। इस तरह से लाइट पर्पल ब्लूइश कलर के फ्लावर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फ्लावर्स से जो फ्रूटिंग होती है तो इस तरह से कवर्ड फ्रूट्स होते हैं, जो इस तरह से दिखते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं, पके नहीं हैं। पकने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये मकोए जैसे होते हैं, फाइसेलिस, लेकिन उनका कवर्ड होता है और ये कवर्ड नहीं है फ्रूट्स, ये खुले हुए हैं और आप इसे खोल के आराम से देख सकते हैं कि मैच्योर है कि नहीं है। इस पौधे को सू फ्लाई प्लांट या कमली एप्पल ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लाइज को रिपेल करने की क्षमता रखती हैं। और ये मूल रूप से आप देखिए इसके फ्लावर अंदर, अगर आप इसके स्टेमिन देखेंगे तो 5 किनारों पे लगे, एक सेंटर पोजीशन में है। इस तरह का ये लाइट ब्लूइश पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है, बेल शेप्ड होता है। और मैंने बताया कि इसमें फ्लावरिंग अगस्त सितंबर के महीने में होती है। लाइट पर्पल कलर के, ब्लूइश कलर के ये बेल शेप्ड फ्लावर बड़े ही शानदार लग रहे हैं। ओरिजिनली ये पेरू का पौधा है, इसलिए इसे एप्पल ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है और फ्लावरिंग प्लांट है। साइंटिफिकली इस पौधे को निकेंड्रा फाइसेलोडीज के नाम से जानते हैं और यह फैमिली सोलेनेसी का सदस्य है, जिसे नाइट सेट फैमिली भी कहते हैं। यह एक पॉइजनस प्लांट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए और यह हार्डी पेरेनियल होता है और अधिकतम 5 फीट तक ऊंचा हो सकता है। पूरा ही पौधा ये पॉइजनस है और टॉक्सिक नेचर का होता है, लेकिन इसके कुछ मेडिसिनल पर्पस, कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसके हैं। इसका डाइयूरेटिक के रूप में, सेडेटिव और कफ मेडिसिन बनाने में इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तो उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में यह पौधा बहुतायक से पाया जाता है एज ए वीड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है दोस्तों, इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलती रहे। थैंक यू।